हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञान पुन 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 10 पर डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। जो भाई बहन पीछे वाला नेक्स्ट सेट नहीं देखे दोस्तों, उस सेट को भी देखिए। और दोस्तों अब हम बिहार दरोगा का प्ले लिस्ट बना देंगे, उसमें 10 सेट करा दिया गया इसका दोस्तों। इसमें रुक्मणी प्रकाशन में दोस्तों 16 सेट दिया गया क्वेश्चन बैंक का दोस्तों। बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक है 2008 से 2022 तक 16 सेट दिया गया दोस्तों, जिसमें से हम 10 सेट को कंप्लीट करवा रहे हैं दोस्तों। आज का सेट 10वां सेट है दोस्तों। जो भाई बहन 9 सेट नहीं देखे हैं, वे प्ले लिस्ट में जाके सीरियल से सेट को देखिए और एग्जाम्पल 91 टेलीग्राम में सर्च के टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए एग्जाम्पल 91 में दोस्तों। वहाँ से PDF लेके बनाइए, उसके बाद आंसर मिलाइए आप लोग। चलिए हम आपका समय नहीं लेते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के बीच भेजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों 22/12/2012 जो दिया हुआ मिसप्रिंट है दोस्तों, 22/12/2019 का सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ 19 होगा, सेकंड क्या होगा 19 दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कथनों विचार करें। 2018 में ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने किया था, और 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। और साथियों क्या है, 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया दोस्तों। सही है और ये गलत है दोस्तों। 2020 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड कर रहा दोस्तों, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया दोस्तों। विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों, आप सबको मालूम ही होगा। और 1970 में विश्व पृथ्वी दिवस सतत रूप से मनाया जा रहा है 1970 से दोस्तों। मृदा वायु और जल के प्रदूषण पर बढ़ती चिंता को उजागर करने के लिए 1970 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया था। 22 मई को साथियों जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। जल दिवस और बिहार दिवस, विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है साथियों। अब 22 जून को साथियों विश्व ऊंट दिवस और विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। मुंबई में सेबी का मुख्यालय है दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को मालूम ही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है दोस्तों। तो कानूनी शब्द का उल्लेख नहीं है दोस्तों, सामाजिक का है, राजनीतिक का और आर्थिक का है दोस्तों। चलिए हम सब साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है दोस्तों। तो नेपाल में स्थित है। किस में? नेपाल में साथियों। नेपाल के अरुण नदी पर स्थित अरुण 3 जल विद्युत परियोजना 900 MW है दोस्तों, मेगावाट है। इस परियोजना में से विद्युत नेपाल के छल केवर से भारत के मुजफ्फरपुर में भेजी जाएगी। नेपाल सरकार ने इस परियोजना का गठन 1992 ईस्वी में किया था, लेकिन पर्यावरण संबंधी चिंताओं और विरोध के फलस्वरूप यह परियोजना रुकी हुई थी। वर्तमान में यह परियोजना निर्माणाधीन है। इस परियोजना को की आधारशिला 11 मई 2018 को भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री ने रखी साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन करता है दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा। अनुच्छेद 65 के अंतर्गत करता है दोस्तों। अनुच्छेद 63 में दोस्तों उपराष्ट्रपति का चर्चा किया गया। इसमें क्या है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चर्चा किया गया है। 62 में साथियों राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए लंबी निर्वाचन व्यक्ति के पदावधि का प्रावधान किया है 62 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारत में उत्तर पूर्वी में गर्जी बोलविया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा। कहाँ किया गया? त्रिपुरा में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हिपो कैंप किस ग्रह का चंद्रमा है दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा। नेपच्यून का दोस्तों, हिपो कैंप किसका? नेपच्यून का।
चलिए हम लोग नेपच्यून का सबसे छोटा उपग्रह नियाद है दोस्तों, सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है तथा यह हरे रंग का ग्रह है दोस्तों। जर्मन खगोल शास्त्री जोन गाले ने वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में की थी साथियों। चलिए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? आप सभी को मालूम होगा स्थानीय स्वशासन दोस्तों संघीय सूची में नहीं है दोस्तों। रक्षा है आपका, रेलवे भी है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है, 7 सूची है दोस्तों भारतीय संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची दोस्तों। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है। वर्तमान में संघ सूची में 98 राज्य सूची हैं और 59 एवं संवर्ती सूची हैं और 52 विषय वर्णित है दोस्तों। संवर्ती सूची में 52 विषय वर्णित था और 59 विषय राज्य सूची में, और संघ सूची में 98 है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस पर चर्चा कर लीजिए दोस्तों, कुंवर सिंह को किस, अब मतलब बिहार की क्रांति 1857 को दोस्तों किस अंग्रेज ने दबाया था दोस्तों? विंसेंट विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने दोस्तों। तात्या तोपे दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहेब धोतुपन 1857 क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था। कोलिन कैंपल ने कानपुर के विद्रोह को दबा दिया था। बरेली के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। इस क्रांति का तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफल के कारतूस के ढक्कन से चर्बी वाला प्रयोग किया जाना था, इसी कारण हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों? आपसे भाई बहनों को मालूम होगा अनुच्छेद 26 दोस्तों धार्मिक कार्यों की प्रबंध से संबंधित है। चलिए 23 अनुच्छेद 24 में दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्यों में से निषेध किया गया। अनुच्छेद 23 में दोस्तों मानव का दुर्व्यवहार बेगार एवं बलात्क्रम को निषेध किया गया। 28 में अनुच्छेद 28 दोस्तों अर्धपोषित संस्थाओं धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है दोस्तों। 25 में अंतःकरण व धर्म के आवाज रूप में मानने आचरण करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 27 दोस्तों किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आय से किसी विशिष्ट धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय के अभिवृद्धि में पोषण में व्यय करने के लिए निश्चित की गई है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 12, भारत के 10 राज्यों में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया दोस्तों? नागालैंड में किया गया। कहाँ किया गया साथियों? नागालैंड में। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या कहलाता है दोस्तों? मित्र शक्ति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ब्रेड मोल्ड राजोपस में जनन होता है तो बीजाणु गठन के द्वारा होता है साथियों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 7 चरणों में। 17वां लोकसभा चुनाव जो हुआ कितने में? 7 चरणों दोस्तों। चलिए 16 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मलेशिया का 16वां राज्य बना दोस्तों? तो सुल्तान अब्दुल्ला दोस्तों मलेशिया का 16वां राज्य बना। 17 देखिए, यदि किसी भिन्न को 20% बढ़ा दिया जाए और 10% कम कर दिया दोस्तों, तो चलिए बना लेते हैं क्वेश्चन को, सीधा क्वेश्चन है दोस्तों, 20% बढ़ाएंगे तो एक्स का 120/100 और 10% कमाएंगे दोस्तों तो वाई का 90/100 बराबर दोस्तों 3/2 दोस्तों। अब इसको हल कर लीजिएगा आप लोग भाई बहनों, उसके बाद आराम से इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर 9/8 आएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 18 देखिए, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? आपसे भाई बहनों को मालूम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की दोस्तों? फैराडे ने किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह कहलाता है दोस्तों? बिस्के की खाड़ी। क्या कहलाता है? जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाता है क्या कहलाता है? बिस्के की खाड़ी दोस्तों। 20 देखिए, मालविकानी मित्रम के लेखक कौन है दोस्तों? कालिदास मालविकानी मित्रम के लेखक थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों कालिदास के अन्य उल्लेखनीय कृति भी है जो मेघदूतम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संगम है, रघुवंशम है दोस्तों। अब वानभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था
जिन्होंने कादम्बरी और हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित हर्षचरित की रचना की। दोस्तों कबीरदास की रचनाओं में बीजक, रेमनी, शबद आदि है। दोस्तों सूरदास की कृति साहित्यिक लहरी और सूर सागर है। साथियों चलिए 2021 देखें। दोस्तों पुनगानूर एक नाम है दोस्तों गाय का। पुनगानूर किसका नाम है? गाय की। दोस्तों पुनगानूर गाय एक नस्ल होने के साथ साथ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का एक कस्बा शहर भी है। दोस्तों जमुनापरी, बोअर गोश्त, बराबरी, बीटल, मालावारी, जखराना, सिरोही आदि बकरियों का प्रमुख नस्ल है। दोस्तों मुर्रा, जफरावाड़ी, नीली, राबी, भदवारी, नागपुरी, मेहसाना आदि भैंस की प्रमुख नस्ल है। दोस्तों भारत में पाए जाने वाले हाथी एलिफस मैक्सिमस, सिग्नस एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन एलिफेंट की एक उप प्रजाति है। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों 22 देखिए। नेग क्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? दोस्तों मेघालय। नोग क्रेम डांस फेस्टिवल मेघालय में किया गया। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि का 10% ब्याज की 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 170.5 है तो वह धनराशि कितना होगा? दोस्तों 5500 होगा। दोस्तों इसको बना लीजिएगा। दोस्तों नहीं तो हम बना देते हैं। दोस्तों देखिए अंतर पूछा है। इसका अंतर व फॉर्मूला होता है डी बराबर दोस्तों डिफरेंस बराबर पी इंटू आर स्क्वायर आर बटे 100 के होल स्क्वायर। दोस्तों अब देखिए दोस्तों अंतर क्या है? गुणे 3 वर्ष है। दोस्तों इसका देखिए गुना 300 प्लस आर बटे 100। दोस्तों ये इसका फॉर्मूला हुआ। आप लोग डी बैठा लीजिए। डी में आपका क्या हुआ दोस्तों? 170.5 बटे पॉइंट 10 बराबर दोस्तों पी बराबर 10 बटे 100 के होल स्क्वायर प्लस गुना देखिए आप लोग 310 बटे 100। दोस्तों आप काट खोट के आप आंसर ले लीजिएगा। दोस्तों 5500 आंसर आएगा। चलिए 24 नंबर देखिए दोस्तों। समाचार पत्र राष्ट्र गुप्ता सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में किस धर्म के सुधारों से है? दोस्तों फारसी धर्म के सुधारों से है। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? साथियों तो बंदर के हाथ समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। दोस्तों चमगादड़ के पंख है, कीड़े की पंख है और पक्षी के पंख है। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? दोस्तों 26 नवंबर 1946 को हुआ। दोस्तों कब हुआ? 26 नवंबर 1946 को। देखिए दोस्तों कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत दिल्ली पहुंचा। इस मिशन में 3 सदस्य थे। दोस्तों कौन कौन थे इसको याद रखिए। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत सचिव बोला गया। दोस्तों सर स्टेफोर्ड क्रिस्ट ये अध्यक्ष थे। दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट के अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिस्ट थे। दोस्तों और ए बी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। दोस्तों शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया, किंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे प्रारंभ की गई। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों क्वेश्चन 27 देखिए। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो आप सभी को मालूम होगा फोन जो है दोस्तों ऊष्मा की इकाई नहीं है। आपका BTU है, कैलोरी है, जूल है। दोस्तों ये सब है। फोन ध्वनि या शोर की प्रबलता स्तर की इकाई है। कैलोरी ऊर्जा की ऊष्मा को जूल कार्य में ऊष्मा की तब BTU ऊष्मा की परंपरागत इकाई। दोस्तों 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कैलोरी होता है। साथियों 1 कैलोरी में दोस्तों 4.186 जूल के बराबर होता है। 1 जूल का मान दोस्तों 0.24 कैलोरी होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों। भारत ने दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश ने चीता लाने की परियोजना बना रही है? दोस्तों किस देश से? तो नामीबिया से। दोस्तों आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों कहाँ से लाया गया? नामीबिया से। चलिए 29 देखिए। भारत ने डाइश की सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया। दोस्तों तो इंडोनेशिया से ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया। दोस्तों भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। साथियों जिसका विकास अमेरिका वैज्ञानिक चार्ल्स रिटर ने 1935 ईस्वी में की थी।
भूकंप की तीव्रता मापने के तीन स्केल दोस्तों, रोसी फेरल स्केल, मार्केली स्केल और रिएक्टियर स्केल दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 30 नंबर, लोथल किस नदी के निकट स्थित है दोस्तों? लोथल आपका दोस्तों भगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है साथियों, आप सभी को मालूम ही होगा। हड़प्पा स्थल लोथल गुजरात सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल में लोथल से चावल उपजाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिर्फ लोथल शहर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। अग्निकुंड का प्रमाण लोथल एवं कालीबंगा दोनों से ही प्राप्त हुए हैं दोस्तों। चलिए 31 देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सी याचिका उल्लेखित नहीं है साथियों? तो आदेश, आदेश जो है दोस्तों ये उल्लेखित नहीं है। प्रतिषेध है दोस्तों, परमादेश भी है, अधिकार प्रतीक्षा भी है दोस्तों। देखिए दोस्तों कौन कौन है उल्लेखित याचिका, चलिए हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के आदेश याचिका का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट निकालने की शक्ति है दोस्तों। पहला है बंदी प्रतीक्षीकरण, इसे ही दोस्तों हेबियस कॉर्पस कहते हैं। फिर दूसरा है दोस्तों परमादेश, इसे मैंडमस कहते हैं। तीसरा दोस्तों प्रतिषेध, इसे प्रोहेबिटेशन कहते हैं। चौथा दोस्तों उत्प्रेषण है, जिसे हम सेंट्रेशन कहते हैं। सेंट्योरी सेंट्रेशन नहीं दोस्तों, सेंट्योरी कहते हैं। उत्प्रेषण को क्या कहते हैं? सेंट्योरी। और पांचवा दोस्तों अधिकार परीक्षा, क्वा वरंटो दोस्तों। मौलिक अधिकार को प्रतिवर्तित कराने के लिए नागरिकों को उच्च न्यायालय में याचिका आवेदन करने का प्रावधान दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है साथियों। चलिए दोस्तों 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 124 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 32 देखते हैं। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई दोस्तों? 1977 में पहली जनगणना हुई दोस्तों। पहली आर्थिक जनगणना कब हुआ दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, 1977 में दोस्तों। आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगणना CSO द्वारा की गई थी। आर्थिक जनगणना का उत्पादन की इकाई यानी प्रतिष्ठानों की संख्या, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, वित्त का स्रोत। 29 जुलाई 2019 से दोस्तों सातवीं आर्थिक जनगणना त्रिपुरा राज्य में से आरंभ की गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? आप सभी को मालूम तो हुआ भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है दोस्तों। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, ये भी सही है। वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, ये गलत है दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। और कोई भी लाभ पद पर धारण, ये सही है दोस्तों, गलत के साथ दोस्तों इसका गलत उत्तर जाएगा, आपका सी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को डाइस के नाम से भी जाना जाता है साथियों, आप सभी को मालूम होगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन देखिए, पहले पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जाना जाता है, किस नाम से दोस्तों? पैसिफिक रिडले कछुआ के नाम से जाना जाता है। देखिए 35 नंबर, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डाइस कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, एलियोवरी दोस्तों, कौन करता है? एलियोवरी दोस्तों। चलिए हम लोग थोड़ा एलियोली के बारे में जानते हैं। साइनस खोपड़ी की हड्डी के घने हिस्से हवा से भरा एक गुहा कैविटी होता है। श्वास नली मनुष्य पशुओं और पक्षियों के शरीर में वह नली होती है जो गले की प्रतिस्तर ग्रंथि लॉरिक्स को फेफड़े से जोड़ती है। श्वास नली मुंह से फेफड़ों तक हवा पहुंचाने के रास्ते का महत्वपूर्ण भाग है। कुपिका वायु में ऑक्सीजन का दाब 37 mmHg होता है, जबकि सिरा कोशिका के रक्त में ऑक्सीजन का दाब 46 mmHg होता है। चलिए हम लोग साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि साथियों इथेनॉल C2H5 इसका दोस्तों इथेनॉल का क्या है C2H5 और साथियों OH इसका रासायनिक सूत्र है इथेनॉल का, और पानी और कई कार्बनिक यौगिक के साथ आसानी से घुलता है दोस्तों, और यहाँ पे नहीं दिया गया, यही गलत है दोस्तों। इथेनॉल कमरे के तापमान तरल होता है, सही है दोस्तों। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 37 में 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता दोस्तों? तो इंडियन रेलवे ने दोस्तों जीता था। चलिए 38 नंबर देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2019 आयोजन किया गया साथियों?
तो मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा ये किया गया था साथियों। चलिए 39 देखिए, डैस के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों? क्लोरोफाइट्स को हरी शैवाल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? क्लोरोफाइट्स को हरी शैवाल कहते हैं दोस्तों। हरी शैवाल उच्च रक्तदाब से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल लिथोफाइट्स कहलाते हैं। जापान की निवासी फोरोफायरा नामक शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं दोस्तों। चलिए 40 देखते हैं, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से दोस्तों ट्यूरिंग अवार्ड संबंधित है दोस्तों। 41 देखिए, 41 आपसे भी बना लीजिएगा दोस्तों, 1000 अंकित मूल्य के एक व्यक्ति को दुकानदार खरीदता है तथा 10% 20% को दो कर्मागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है तो वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि 15% लाभ हो सके दोस्तों? देखिए तो CP बराबर कोस्ट प्राइस बराबर दोस्तों, आप लोग देखिए 1000 का बोला है 10% 20% कर्मागत छूट, तो 90/100 × 80/100 दोस्तों आप लोग इसको बनाइए तो काट खोट के आएगा दोस्तों, 100 कट गया आपका, आ गया 972 यानी 720 दोस्तों CP। उसके बाद दोस्तों लागत मूल्य पर क्या बोला, 10% खर्च करता है क्रय मूल्य पर यानी 720 CP है दोस्तों, इस पर 10% खर्च करना है तो 110/100 दोस्तों, काट दीजिए 72 × 11 कितना होगा दोस्तों, हो जाएगा आपका 792 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं फिर। उसके बाद देखिए विक्रय बेचने पर, इसको 792 को बेचने पर हमको 15% लाभ, तो 115/100 दोस्तों, 100% दोस्तों 115 हो गया बटे 100, 23/5 दोस्तों 115, 20/5 दोस्तों, उसके बाद काटिए और उसके बाद दोस्तों आंसर आपका गुना करके लाइए आ जाएगा 51/80/20 दोस्तों, भागा दीजिए 910.8 आ जाएगा दोस्तों, नहीं तो छोड़ दीजिए, नहीं काटिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बैली देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, अराकानायमा नेपाल से संबंधित नहीं है दोस्तों, ग्रेट हिमालय है, महाभारत श्रृंखला है, शिवालिक श्रृंखला है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगामी ओलंपिक के लिए चेटी रॉबर्ट किस देश की अनावरित किया गया था? जापान से अनावृत किया गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण सितारों का टिमटिमाना होता है दोस्तों। अपवर्तन के कारण वायुमंडल में तारे की रोशनी विचलन तारों के टिमटिमाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन का कारण विभिन्न माध्यमों से प्रकाश के वेग में भिन्नता का होना होता है दोस्तों। जैसे देखिए अपवर्तन के कारण जल के भीतर पड़ी हुई छड़ी अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के फलस्वरूप ही द्रव्य में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ता है। सूर्योदय के कुछ समय पहले या सूर्यास्त के थोड़े समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई पड़ता है, अपवर्तन का ही परिणाम है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, यदि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई वाय बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है, यह डैश कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूटन का गति का पहला नियम दोस्तों। चलिए छह देखिए, गुजरात में भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई दोस्तों? तो ये दोस्तों 2001 में हुई साथियों। छह देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह क्या है दोस्तों? वाल्मीकि नेशनल पार्क स्थित दोस्तों। क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क दोस्तों। यह एक टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य भी है, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित इस उद्यान को
कहते हैं। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भारत के पूर्वी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में उच्च अक्षांश पर अवस्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तर भारत में नंदा देवी शिखर के आसपास स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा दोस्तों तो जापान करेगा। दोस्तों कौन करेगा? जापान साथियों। 49 देखिए, करकोटा राजवंश का संबंध निम्नलिखित में किस इतिहास से है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर से करकोटा राजवंश का इतिहास है दोस्तों। हर्षवर्धन के शासनकाल में दुर्लभ वर्धन ने करकोटा वंश की स्थापना की। करकोटा राजवंश के प्रसिद्ध राजाओं ने ललितादित्य मुक्तापिंड तथा विनयादित्य जयापिंड पीढ़ का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री भयनसंग दुर्लभवर्धन के समय कश्मीर आया था। करकोटा राजवंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन स्थापित हुआ। करकोटा पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाम नाग का नाम है दोस्तों, करकोटा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो वोल्ट है दोस्तों। क्या है? वोल्ट। एम्पियर से विद्युत धारा नापते हैं दोस्तों, कूलाम से विद्युत आवेश का मात्रक होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? तो गोनी स्मित नहीं है साथियों। 52 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो दोस्तों गौतम बुद्ध दोस्तों अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। देखिए दोस्तों अष्टांगिक मार्ग का साधन क्या है इसको जानिए। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत दोस्तों, पांचवा सम्यक आजीवन, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां दोस्तों सम्यक समाधि है। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को महाभिष्कर्मन कहा गया। अबुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। अबुद्ध की मृत्यु दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा गया। अब वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24 एवं अंतिम तीर्थंकर थे दोस्तों। 53 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था दोस्तों? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों सती प्रथा लॉर्ड कर्जन का नहीं था दोस्तों, ये विलियम बेंटिंक का था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते दोस्तों। कर्जन के कार्यकाल में दोस्तों 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया दोस्तों। अकाल आयोग का गठन कर्जन ने सर एंटीमनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में किया गया दोस्तों। पुरातत्व विभाग की स्थापना भी दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में कौन से 29 अगस्त 1947 को डैश गठित समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे दोस्तों। कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 55 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? तो दोस्तों CaCO3 दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है। 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशियाई सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में किस देश में किया गया दोस्तों? सिंगापुर में किया गया साथियों। 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन दोस्तों भारत के वायसराय थे उस समय दोस्तों बंगाल विभाजन के समय। बंगाल को दो प्रांतों में बांटा गया दोस्तों, पूर्वी बंगाल और असम प्रांत तथा पश्चिमी प्रांत। ढाका को पूर्वी बंगाल का मुख्यालय बनाया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने भावी आंदोलन का दमन किया दोस्तों, और द्वितीय दोस्तों भारत को तलवार के बल से विजित किया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा करेंगे दोस्तों, द्वितीय एल्गिन द्वितीय ने बोला था दोस्तों। 58 देखिए, इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो टीकाकरण से दोस्तों। किससे? टीकाकरण से। चलिए 59 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो ट्यूबरक्लोसिस टीबी का संबंध दोस्तों निक्षय पोषण योजना से है। सात नंबर देखिए दोस्तों, रंगा थिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? पेली नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे साथियों। निम्नलिखित में कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही था दोस्तों? राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के 29 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावना खिलाड़ियों की
सम्मानित करते हैं। 2019 में इस योगदान इस दिन मेरी कॉम के खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया दोस्तों। ये गलत है दोस्तों, 1 और 3 दोस्तों सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 63 पोकली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। पोकली धान दोस्तों, इसका संबंध निम्नलिखित किस राज्य से है दोस्तों? तो केरल से। किससे दोस्तों? केरल से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में कथनों में कौन सही है? तो ट्राय की स्थापना 1997 में की गई थी। ट्राय की स्थापना संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी। ट्राय की स्थापना उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र से रेगुलेट करना दोस्तों। ट्राय आर एस शर्मा ट्राय के वर्तमान प्रमुख है दोस्तों। तो दोस्तों सभी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर चार्ल्स बुड्स डिस्पैच या बुड प्रेशन भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील पत्थर था दोस्तों। शिक्षा का पर था दोस्तों। 66 देखिए, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजोंग यूनिट को मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी। ITLU ने इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। इसरो की गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। तीनों सही है। 67 देखिए, तो नीरज चोपड़ा निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से नीरज चोपड़ा संबंधित है दोस्तों। 68 देखिए दोस्तों, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था। खेड़ा भी दोस्तों 1918 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 चंपारण 1917 में हुआ दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक थे। हिंद स्वराज को 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक राजद्रोही पीठ के रूप में प्रतिबद्ध कर दिया गया था। हिंद स्वराज 1919 में लिखी गई थी। बाल गंगाधर तिलक की रचना दी आर्कटिक होम इन दी बेनांजू गीता राइस भी थी दोस्तों। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। जवाहरलाल के रचनाओं में प्रमुख भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया विश्व इतिहास की झलक एवं टुवार्ड्स फ्रीडम लिखा दोस्तों। चलिए देखिए 70 नंबर देखिए, खमसिन निम्नलिखित किस देश की स्थानीय पवन है दोस्तों? तो मिस्र की खमसिन स्थानीय पवन है दोस्तों। कहाँ की है? मिस्र की। सहारा मरुभूमि के दक्षिण में विशेष मिस्र में चलने वाली एक गर्म स्थानीय पवन दोस्तों जोड़ा पवन अर्जेंटीना के स्थानीय पवन है। अर्जेंटीना के एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर स्थित रहती है। चिनुक संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। मिस्टल रोन घाटी फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा दोस्तों। मिस्टर हरमटन सहारा मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है दोस्तों। 71 देखिए दोस्तों, इसमें 50% आएगा दोस्तों, बना दीजिएगा आप लोग, हल्का ही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है दोस्तों? गंगा नदी पर स्थित है। कहां पे? गंगा नदी पे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 73 देखिए, निम्नलिखित में कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, बांग्लादेश भूटान नेपाल श्रीलंका अफगानिस्तान और ईरान दोस्तों। कहाँ के देश थे? सार्क सदस्य था दोस्तों। 74 देखिए दोस्तों, मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया दोस्तों। कौन सा था दोस्तों? गुड़ का GI टैग था दोस्तों। 75 देखिए, पद्म विभूषण सम्मान छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्नलिखित किससे संबंधित था दोस्तों? गायन से संबंधित है दोस्तों। 76 देखिए, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है दोस्तों? मिजोरम है दोस्तों। 77 देखिए दोस्तों, बेरीनाग निम्नलिखित किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों? झेलम का बेरीनाग उद्गम स्थल है दोस्तों। बेरीनाग झेलम नदी का उद्गम स्थल है। झेलम नदी उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के शेषनाग बेरीनाग झील है। अब झेलम पाकिस्तान के झांग के निकट चिनाब नदी की मिल जाती है दोस्तों। चिनाब नदी पुराना नाम अस्कनी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 78 देखिए, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। 79 देखिए, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो 1931 में दोस्तों कराची में इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों और एकमात्र कांग्रेस सत्र हुआ दोस्तों। लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग रखी और इसी अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन को बहिष्कार करने का निर्णय लिया दोस्तों। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह माधोलकर की अध्यक्षता में पटना बांकीपुर में अधिवेशन आयोजित किया दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में विशन नारायण धर की अध्यक्षता में आयोजित सत्र पहली बार जनगणमन गाया गया साथियों।
80 देखिए दोस्तों, डिजिटल करेंसी अभी निम्न किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, तो यूएई व सऊदी अरब के द्वारा दोस्तों किया गया। 81 देखिए दोस्तों, पंछी के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है, यह एक यह इजराइल का उत्पाद है, यह निशांत नमक यूएवी का एक संस्करण है, इसमें कैमरे और लेजर उपकरण लगा है दोस्तों, इसमें दोस्तों एक के छोड़कर दोस्तों 2, 3 और 4 दोस्तों सही है, ये गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच मान 10.5 होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला दोस्तों आप लोग जानते होंगे Mg(HO)2 साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, 83 देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कौन सा कथन सही था, सभी सही था दोस्तों, यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है, इसकी उड़ान क्षमता 229 किलोमीटर तक है, यह पराध्वनिक गति से चल सकती है, दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है दोस्तों, इसलिए डी सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बुनकर पुरस्कार विजेता एना बर्च द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई दोस्तों, मिल्कमैन लिखे गए दोस्तों, मिल्कमैन कौन से लिखे गए, मिल्कमैन। चलिए 85 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने के लिए दोस्तों देता है, संविधान के अनुच्छेद 127 किसके लिए देता है दोस्तों, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने के लिए देता है दोस्तों। साथियों संविधान की भाग 18 में दोस्तों अनुच्छेद 352 से 360 आपातकाल का घोषणा किया गया, 108 अनुच्छेद के तहत दोस्तों संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, अनुच्छेद 61 में दोस्तों संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 52 में दोस्तों राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है साथियों। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है, तो पराक्रम समिति का सदस्य दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष 30 सदस्य होते हैं दोस्तों लोकसभा से। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और दोस्तों देखिए पराक्रम समिति लोक लेखा समिति में दोस्तों इसमें 15 लोकसभा से और दोस्तों 7 सदस्य राज्य सभा से, और सार्वजनिक उपक्रम समिति दोस्तों इसी को कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, ए अकेला एक काम को 16 दिन में, बी 20 घंटे में, तो सी 24 घंटे में, तो तीनों मिलकर काम कितनी दूरी 777 मिली है, तो मजदूर बी का हिस्सा कितना होगा दोस्तों, आप लोग इसको आराम से बना लीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर बता देते हैं दोस्तों 252 दिन होगा, बना लीजिएगा। 88 देखिए, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है दोस्तों जनित्र कहलाता है, क्या कहलाता है जनित्र साथियों। 89 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है, तो ब्रोमीन दोस्तों कमरे के ताप पर तरल होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र में स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों, महाराष्ट्र में शुरू किया, कहाँ से दोस्तों महाराष्ट्र में। 91 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पावर्टी एंड अनबर्टिस रूल इंडिया नाव पुस्तक लिखी गई दोस्तों, दादा भाई नरोजी द्वारा लिखी गई दोस्तों पावर्टी एंड अनबर्टिस रूल को दोस्तों। चलिए 92 देखिए दोस्तों, सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन थे दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा उस समय दोस्तों कालराज मिश्र थे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने को हाल ही में रेवन मैक्सेस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया दोस्तों, रविश कुमार को सम्मानित किया गया दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया दोस्तों, तो स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया गया दोस्तों। 95 देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है दोस्तों, तो महानदी पर दोस्तों हीराकुंड बांध निर्मित है दोस्तों। हीराकुंड विश्व की सबसे लंबी बांध दोस्तों 4800 मीटर है, हीराकुंड बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1953 में बनकर पूर्ण हुआ दोस्तों। ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित इस बांध में निर्मित एक बड़ी मानव निर्मित झील भी है दोस्तों। इस बांध को बनाने का उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। मानदी छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों के निकट सीवा से निकलती है, मानदी को ओडिशा का शोक भी
कहा जाता है साथियों। चलिए 96 देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख करता है? 51 का को दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार सरोवर सिंह समिति सिफारिश पर इसे संविधान में जोड़ा गया हुआ या मूल संविधान का भाग नहीं था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण का प्रभाव दोस्तों। राज्य की नीति निर्देशक के अंतर्गत अनुच्छेद 49 के अनुसार राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की वृद्धि के लिए कदम उठाएगा। 97 देखिए दोस्तों, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किससे परिभाषित करता है दोस्तों? दाब को परिभाषित करता है। किसे करता है? दाब को साथियों। चलिए, दाब का ऐसा ही मात्रा न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है दोस्तों, इसे पास्कल कहते हैं। दर्बों का विस्तृत अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब का ऐसा ही मात्रा पास्कल रखा गया। दाब एक अदिश राशि है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 98 देखिए, सियाचिन हिमनंदी स्थित है दोस्तों, काराकोरम श्रेणी में सियाचिन हिमनंद स्थित है साथियों। चलिए दोस्तों, कमायू हिमालय हिमालय के पश्चिमी मध्य खंडवा सतलज नदी से 200 मीटर मील 320 किलोमीटर पूर्व में काली नदी पर स्थित है दोस्तों। काली नदी को महाकाली, काली गंगा या शारदा भी कहते हैं दोस्तों। यह उत्तराखंड में स्थित है। चलिए 99 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे दोस्तों? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे साथियों। कब स्थापना किए थे दोस्तों? 1828 में ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापना किया था, और 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की भी स्थापना की दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1876 ईस्वी को बॉम्बे में किया। दयानंद सरस्वती का बचपन का मूल संकर था दोस्तों। 100 नंबर देखिए दोस्तों, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित किन वर्षों में हुआ था? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था, और उस समय के अंग्रेज गवर्नर थे दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। ये कार्यकाल में हुआ दोस्तों। सिख राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था। इस युद्ध में लाल सिंह और तेज सिंह ने सिखों के साथ विश्वघात किया था, और 1846 में लाहौर संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे दोस्तों। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध 18 अप्रैल 1848 और 29 मार्च 1849 तक चला दोस्तों। इस युद्ध की समाप्ति के बाद सिख राज्य संपूर्ण हिस्सा 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया गया साथियों। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ स्टॉप कर दोस्तों। वीडियो आप सभी भाई बहनों को अच्छा लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों, नहीं तो नहीं कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।